सभी का खबर असरदार आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम गया और अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 1 जून को 57 सीटों पर मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी और फिर इंतजार शुरू हो जाएगा नतीजों का। सातवें चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है, के साथ ही प्रत्याशी अब डोर टू डोर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। राज्यों में सीटों की बात करें तो बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 सीट पर मतदान होगा। अंतिम चरण में यूपी की हॉट सीट वाराणसी में भी वोट डाले जाएंगे। यहां से तीसरी बार पीएम मोदी प्रत्याशी हैं। वहीं पीएम के अलावा कई और दिग्गज हैं, मसलन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, अभिनेत्री कंगना रनौत, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, एक्टर रवि किशन, अनुप्रिया पटेल और अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गजों की किस्मत 1 जून को ईवीएम में कैद हो जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इन 57 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं टीएमसी के खाते में 8 सीटें गई थी जबकि कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली थी। वोटिंग के प्रतिशत को देखा जाए तो पिछले चुनाव में इन 57 सीटों पर कुल 65.29% वोट पड़े थे। सबसे ज्यादा 78.80% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं सबसे कम 51.34% मतदान बिहार में दर्ज किया गया था। पिछले 6 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। 1 जून की वोटिंग खत्म होने के बाद प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो जाएंगी और इंतजार 4 जून का रहेगा जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अभी तो 57 सीटों पर 1 तारीख को वोटिंग बाकी है। वाराणसी पर देश की निगाहें हैं और 57 सीटों में वाराणसी भी शुमार है। वाराणसी में प्रचार का शोर थमने के बाद न्यूज 18 संवाददाता ने यहां पर जायजा लिया, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार प्रसार थम चुका है और आखिरी चरण की बात करें तो बेहद ही अहम है। 57 सीटों पर देश में मतदान होना है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पूर्वांचल की हवा क्या कहती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने वाराणसी से लेकर गोरखपुर और तमाम पूर्वांचल की सीटों पर खूब प्रचार प्रसार किया है। हालांकि वाराणसी हाई प्रोफाइल सीट जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अजय राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। 4 जून को ये पता चलेगा कि आखिर जनता के दिल पर किसने राज किया है और प्रचार प्रसार का सिलसिला अब थम चुका है। कैमरामैन मुनमुन के साथ अंशिका पाठक, न्यूज 18, बनारस। तो सुपर हाई प्रोफाइल सीट है वाराणसी, प्रधानमंत्री मोदी यहां से मैदान में हैं। 2009, 2014 और 2019 का आंकड़ा आप देख लीजिए कि किसको कितने वोट प्रतिशत हासिल हुए थे और बीजेपी का अगर ग्राफ देखा जाए तो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ जो है नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप, देखिए वाराणसी लोकसभा में वोट प्रतिशत क्या कुछ रहा है ये भी आप देखिए और वोट शेयर कितना रहा है ये भी आप समझिए। 2009 में 30.52% था बीजेपी का वोट शेयर, तो 19 में बढ़कर 63.62 हो गया, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। इस बार क्या होगा 2024 में, नतीजे 4 जून को आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन 4 जून को क्या होने वाला है इस पर पाकिस्तान बेचैन है। 400 पार सीटें आईं और मोदी पीएम बन गए तो पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मोदी के नाम की चर्चा हो रही है और कहा जाता है कि पाकिस्तान जब डरता है मोदी मोदी करता है। इस बार पाकिस्तान को यकीन है 400 सीटें आई तो पीओके पर भारत का कब्जा हो जाएगा, इसीलिए पाकिस्तान भागता हुआ चीन के पास गया और मदद। अब की बार 4 जून को मोदी रिटर्न्स के बाद भारत क्या करने वाला है इसे लेकर पाकिस्तान बेचैन है। कह रहे अब की बार 400 पार। इंडिया
यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसके आपके वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं, अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मोदी के 400 पार के नारों की गूंज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ को सोने नहीं दे रही है। भारत में विरोधियों को 400 पार पर शंका है, लेकिन पाकिस्तान को 400% यकीन है कि आएगा तो मोदी ही, और इससे ज्यादा परेशान तो पाकिस्तान की सरकार है। आखिर मोदी आएंगे तो पाकिस्तान में क्या करने वाले हैं? तो अगर फर्ज करें उनको 400 नहीं भी मिलती, वो दोबारा अक्सरियत लेके हुकूमत बना लेते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी या बेहतरी होगी? पाकिस्तान के अंदर मोदी का खौफ इस कदर समाया है, फवाद चौधरी हो या शहबाज शरीफ, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि भारत में कोई भी पार्टी जीते, लेकिन बीजेपी दोबारा सत्ता में ना आए, ना ही मोदी रिटर्न हो। पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। क्यों है खौफ, उसकी वजूहात क्या हो सकती है? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसके आपके वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं, अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। दिस न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल्स। मोदी 400 पार आने से पहले ही पाकिस्तान को इसका साइड इफेक्ट दिख गया था। नया भारत है, गर्म में घुसकर मारता है। भारत में बीजेपी के नेताओं ने पीओके को मिलाने का ऐलान ही किया था कि पूरे पीओके में आजादी का तूफान उठा, जो पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने के लिए सड़क पर उतर गया। ये सिर्फ शहबाज के लिए नहीं, चीन के लिए भी बड़े खतरे की घंटी थी, क्योंकि पीओके में जिस तरह से विद्रोह की आवाज उठी, कुछ दिन पहले लगातार चीन के लोगों पर बलूचिस्तान और दूसरी जगहों पर चीन के नागरिकों को निशाना बनाया गया। उसके बाद चीन को यकीन हो गया कि अब पाकिस्तान कश्मीर में कंट्रोल खो चुका है। इस वजह से चीन ने पीओके में दखल देने का मन बना लिया। पीओके पर भारत के हमले के खौफ से पाकिस्तान ने चीन के होविट्जर तोपों की एलओसी के पास तैनाती कर दी है। पाकिस्तान ने चीन के बड़े रडार सिस्टम को भी तैनात किया है। इन इलाकों में स्टील हेड बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। पीओके और एलओसी के पास चीन कम्युनिकेशन टावर बना रहा है। चीनी सैनिक और इंजीनियर्स पीओके की लीपा घाटी में सुरंग निर्माण में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में एनडीए का 400 पार अगर सीट आ जाती है पार्लियामेंट की, तो पीओके अपने आप हिंदुस्तान में मिल जाएगा। ये इस तरीके की हवा बही है जिसको लेके पाकिस्तान और चाइना दोनों ही बहुत चिंतित है, और उनको एक तरीके का डर लगने लगा है कहीं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उनके हाथ से ना निकल जाए। लिहाजा चाइना ने वहां तमाम तरीके का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। पाकिस्तान ने डायरेक्ट चाइना की मदद मांगी और बोला है कि वो वहां पे आके सस्ते दाम पे अपने मिलिट्री हार्डवेयर दे, जिससे उसका वहां पे डिप्लॉयमेंट किया जा सके। पाकिस्तान में पीओके से लेकर बलूचिस्तान के लोग भारत से मांग कर रहे हैं कि वो उन्हें पाकिस्तान के कब्जे से आजादी दिलाए। इस्लामाबाद ने तो पीओके में सरेंडर कर दिया है। बीजिंग को डर है कि 4 जून के बाद अगर भारत ने पीओके पर कब्जा किया तो वहां से चीन का नामो निशान मिटेगा और कारकोरम हाईवे पर भारत का कब्जा हो जाएगा। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उसमें उन्हें कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत और अंतरिम जमानत दोनों की मांग की थी। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत की मांग की, जिस पर कोर्ट अब 7 जून को सुनवाई करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स बताई, जैसे कि अबनॉर्मल वेट लॉस, कीटोन लेवल बढ़ना, कैंसर का खतरा। इसको लेकर मेडिकल जांच के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत की भी मांग की। इस पर कोर्ट अब 1 जून को सुनवाई करेगी।
लू के थप्पड़ों से आप भी परेशान हैं, गर्मी लगातार पड़ती जा रही है, लेकिन अच्छी खबर भी आ रही है। केरल में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन देश भर के अलग अलग इलाकों में अब भी गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। इसीलिए लोग बेसब्री के साथ झमाझम बूंदों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। केरल के द्वार मानसून की बहार, कहीं गर्मी से आफत, कहीं राहत। ये तस्वीरें आपके दिल को खुश कर सकती हैं, ये तस्वीरें आपके दिल को सुकून दे सकती हैं, क्योंकि केरल के कोट्टयम से आई ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि केरल के द्वार पर मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। झमाझम बारिश ने यहां गर्मी के प्रचंड रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है और खबर है कि झूमते झूमते जून के अंत तक मॉनसून दिल्ली एनसीआर तक पहुंच जाएगा। लेकिन सुकून और सुख देने वाली इन तस्वीरों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में आग उगलता आसमान सब कुछ जला देने को तैयार दिख रहा है। न घर में चैन है न बाहर, हर सिस्टम हर तकनीकी संसाधन में जैसे मौसम ने आग लगा दी है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का समझ लीजिए, जहां मौसम की मार के बीच पानी की किल्लत ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप पे, जहां पर टैंकर अभी पहुंचा और ये हालत आप देखिए किस तरीके से यहां टैंकर के लिए मारा मारी है। छोटे छोटे बच्चे चलते टैंकर पे चढ़ जाते हैं और उसके बाद पाइप खींचने का काम करते हैं ताकि उनके जो घर वाले नीचे मौजूद हैं वो पानी भर सके। ज्यादातर संख्या में यहाँ पर महिलाएं और ऊपर आप देखेंगे कि बच्चे चढ़े हुए हैं और ये सीन जो है आम है विवेकानंद कैंप के लिए हर रोज, क्योंकि इसी तरीके से जब टैंकर में पानी आता है उससे पहले ही बच्चे इसके ऊपर चढ़ते हैं, पाइप खींचते हैं। देखिए महिलाएं भी चढ़ी हुई नजर आ रही हैं और यही वजह है कि अब गर्मी से परेशान लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए दिल्ली की जल मंत्री वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा कर रही हैं, चिट्ठी लिखकर केंद्र से ये त्राही त्राही रोकने की बात कह रही हैं। जब दिल्ली के तीन सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी ही पर्याप्त नहीं जा रहा है, यमुना में पानी ही पर्याप्त नहीं आ रहा है, हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रही है, तो दिल्ली के लोगों के पास तो पानी की किल्लत होगी ही। हमने कुछ दिन पहले हरियाणा को भी चिट्ठी लिखी थी, आज हम केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे। हरियाणा सरकार अपनी मनमानी से दिल्ली के लोगों को परेशान नहीं कर सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है, ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली में त्राही त्राही मचने से रोके। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बातें करते थे, वह तो नहीं बना, लेकिन रेगिस्तान दिल्ली को इन्होंने जरूर बना दिया, दिल्ली को उजड़ा स्थान जरूर इन्होंने बना दिया। खुद शराब घोटाले करते हैं, स्कूल घोटाले करते हैं, बस घोटाले करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और खुद शीश महल में रहते हैं। अपना जीवन स्तर तो बदल दिया, लेकिन दिल्ली के लोग आज तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए, जो सबसे बेसिक चीज है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना बड़ा और दिल्ली के साथ अन्याय करेंगे। दिल्ली में मौसम ने क्या हाल कर रखा है, इसे जरा आंकड़ों से भी समझिए। दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक 28 मई की आधी रात से 29 मई की आधी रात तक विभाग को एक दिन में 220 आग लगने की कॉल्स रिसीव हुई। दिवाली पर लगने वाली आग की कॉल को छोड़कर ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में आग लगने की 220 कॉल आई हों। फायर डिपार्टमेंट इसके लिए भीषण गर्मी को वजह मानता है, इसीलिए न्यूज 18 इंडिया ने भी दिल्ली की गर्मी की पड़ताल करना जरूरी समझा। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो मशीनरी गर्मी से बचाने के लिए घरों पर लगाई गई है वो गर्मी की वजह से साक्षात बम बन गई है। कई जगहों से एसी फटने की खबरें आ रही हैं। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 100 की हैं, जहां एसी में धमाका होने की वजह से पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया। उधर राजस्थान में मौसम ने ऐसा तांडव मचाया है कि लोगों को लगातार घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और जो हीट वेव का दौर है उससे राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा अगले 5-4 दिन राजस्थान के कुछ भागों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स यानी धूल भरी तेज हवाओं का प्रभाव भी बना रहेगा। इस दौरान जो हवा की गति है वो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रचंड गर्मी का असर लोगों पर देखा जा रहा है। घरों से निकलना लोगों की मजबूरी है, लेकिन जो निकल रहा है वो मौसम का ऐसा रूप देखकर दहशत में है।
फिलहाल लोग बेसब्री से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेघ मेहरबान होंगे और कब इस प्रचंड गर्मी का अंत होगा। देखिए रिपोर्ट। मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ, तब से लेकर अब तक यानी 30 मई 2024 की शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर हर ओर सुनाई देता रहा। नेताओं ने वोटर को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में रैली को संबोधित कर इस अभियान का समापन कर दिया। इन 75 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली, रोड शो और इवेंट को मिलाकर कुल 206 कार्यक्रमों को संबोधित किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान 80 से ज्यादा इंटरव्यू भी दिए। 400 पार का टारगेट लेकर चलने वाले मोदी का बिहार झारखंड पर भी खूब फोकस रहा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 9 बार बिहार आए, 15 रैलियां की, एक रोड शो किया और 2 बार रात्रि विश्राम भी किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में 7 से ज्यादा कार्यक्रम किए। इस दौरान मोदी ने अपने 10 साल की सरकार का लेखा जोखा भी दिया और विपक्ष पर हमला करते भी दिखे। रैलियों के मामले में 2024 में पीएम मोदी का मुकाबला कोई भी दूसरा राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं कर पाया, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का। अमित शाह ने 115 रैलियां और 18 रोड शो किए तो जेपी नड्डा ने 87 रैलियां की। विपक्ष की यदि बात करें तो राहुल गांधी ने 107 रैली और रोड शो किए, जबकि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा 140 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किया। क्षेत्रीय स्तर के नेताओं की बात करें तो तेजस्वी यादव ने जरूर 251 रैली कर बिहार में विपक्ष की कमान को थामे रखा, हालांकि उन्हें भी कुर्सी पकड़ना पड़ गया। खैर, 2019 के चुनाव में पीएम मोदी ने 142 जनसभा को संबोधित किया था और बीजेपी 303 सीट तक पहुंच गई। इस बार पीएम मोदी ने 2019 के मुकाबले और भी ज्यादा रैलियां और रोड शो किए। सवाल है कि क्या इसका असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जटीन। एक और जहां लोग भीषण गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं, हलकान हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब हो, तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के रोहतांग पास में आज जो अच्छी बर्फबारी हुई है उसकी तस्वीर। टीवी पर ही सही, इस तस्वीर को देखकर आपको शायद थोड़ी राहत तो जरूर मिल रही होगी, क्योंकि एक तरफ प्रचंड गर्मी के तेवर और दूसरी तरफ बर्फबारी के ये शानदार नजारे, जाहिर सी बात है हर किसी को रोमांचित कर देगा। हिमाचल के रोहतांग में ये जमकर बर्फ गिरी है और लोग जो पर्यटक हैं उसका आनंद लेते हुए, मौज करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला